वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ट्राई और आईबीएफ यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ट्राई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है, क्योंकि आईबीएफ को लगता है कि ट्राई उन्हें पूरी आज़ादी नहीं दे रही है उन्हें काम करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट है जो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एक यूनियन है। इंडिया में जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं जैसे कि स्टार, कलर, सोनी, जी, टीवी टुडे, जितने भी इंडिया में ब्रॉडकास्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उन सभी चीज़ों का एक यूनियन है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसे आईबीएफ के नाम से भी कहा जाता है। तो दोस्तों बता दूँ, आईबीएफ ने यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में ट्राई के खिलाफ याचिका दायर करा है, जिसमें बेसिकली मुद्दा ये है कि ट्राई उनसे हर चीज़ रिपोर्ट्स मांगती है। जैसे कि यहाँ पे आईबीएफ वालों का कहना है कि उनसे अगर जो पर्सनल भी अगर एग्रीमेंट है, जैसे कि चैनल प्लेसमेंट के लिए है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, साथ ही एडवर्टाइजमेंट से भी रिलेटेड जो एग्रीमेंट कॉपी है, तो वो चीज़ें भी ट्राई चाहती है कि उन्हें मिले रिपोर्ट। तो इसी बीच इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने कुछ तत्व रखे हैं सामने, उसके तहत वो चाहते हैं कि जो बेसिकली रिपोर्ट्स हैं उन्हें तो मिल ही रही है, बट इंटरनली जो उनका एग्रीमेंट है डीपीओ के साथ, जो है डीपीओ यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करते कराते हैं, जैसे कि डीटीएच हो गया, केबल टीवी वाले हो गए, डेट इज़ कॉल्ड डीपीओ, तो उन डीपीओ का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट लीक ना हो यानी कि पब्लिकली नहीं हो, ऐसा आईबीएफ वाले चाहते हैं। इसी के खिलाफ आईबीएफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख अपनाया है ताकि वहाँ पे उन्हें जस्टिस मिल सके बिजनेस करने के लिए, ताकि ट्राई जिस तरीके से इंटरफेरेंस हर एक चीज़ में करता है, जिस वजह से उनकी पायरेसी नहीं रह पाती, तो जिस वजह से वो चाहते हैं आईबीएफ वाले कि ट्राई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें कुछ रियायत दे। तो ये अपडेट आ रहा था दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और ट्राई की तरफ से कि रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी ब्रॉडकास्टर का जो चैनल्स चलते हैं, किसी डीपीओज में उनकी डील होती है कि टॉप 5 में चलना चाहिए, टॉप 7 में चलना चाहिए, अगर टॉप 5 में चैनल चलाते हैं तो उनके लिए अलग से कुछ डीपीओज को पेमेंट भी दिया जाता है, जिसे कैरेज फी के रूप में भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ों को ब्रॉडकास्टर नहीं चाहते हैं ये करना, लीक करना, तो इसी वजह से यहाँ पर ट्राई के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट में गए हैं। अब इसका जो सुनवाई होने वाला है वो है आपको 14 जनवरी 2020 को होने वाला है। तो देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ट्राई के पक्ष में जजमेंट देती है या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के हक में जजमेंट देती है। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।